अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेख अली रज़ा और हमेशा की तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। और इस बार जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो विजन था, जो सूफीज़म पे जो तलीम थी उसके लिए जो उनका विजन था कि एक यूनिवर्सिटी का क्याम किया जाए और उस यूनिवर्सिटी जो सुहावा में जिसका क्याम अमल में लाया गया है अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से। और नाज़रीन, जैसा कि अलकादर यूनिवर्सिटी सुहावा में बंद तो रही है लेकिन एलियान सुहावा को और पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में नहीं था पता कि इस यूनिवर्सिटी में सूफीज़म पे क्या तलीम दी जाएगी और इसमें जो पढ़ेंगे स्टूडेंट उनको क्या सहूलियात होंगी। आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाएंगे। साथ दे रहे हैं इस पूरी वीडियो बनाने में मोहम्मद इसरार, और हम अलकादर यूनिवर्सिटी की आज वीडियो बनाएंगे। और मोहम्मद इसरार जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं और बाकायदा ये केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या यूनिवर्सिटी के बारे में किस बारे में वीडियो बनाएंगे और आज जो अपने व्यूवर्स हैं इनको क्या क्या दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वेल, थैंक यू वेरी मच अली रज़ा भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द अलकादर यूनिवर्सिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिस्टम, द मैनेजमेंट, द फीचर्स दे गिव टू द स्टूडेंट्स एंड द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अलकादर यूनिवर्सिटी का एक हुसार के बीच में, हमारे सुहावा के बीच में। तो मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं और इससे हमारे एरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वेल अली भाई, चलते हैं आगे, हम अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं इसको क्या प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, जाने से पहले इसरार भाई जो है कुछ नाज़रीन को ये भी हम बताते चलें कि जब इस अलकादर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने रखा था तो लोगों का कहना था कि यहाँ पे पहाड़ों में, यहाँ पे तो जानवर जो चराहवे आते हैं जानवर चराने के लिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी। और ये खाली नाम की इफ्तिताह किया गया है अपना वो बनाने के लिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी कम्प्लीट होने जा रही है और बाकायदा इसमें जो पहला बैच है उसके एडमिशन भी हो रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे जी। वेल, देखें, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी बनती है ना तो चीज़ें लोगों से होती हैं, जगह से नहीं होती हैं। अगर यहाँ पे ये एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि यहाँ पे हम सूफीज़म और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फ़रोग देंगे, उसकी स्टडी देंगे, अगर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट डज़ेंट मैटर कि वो कहाँ पे लगा रहे हैं, चरवाहे हैं या क्या है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी शान बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ दिया जा रहा है आपको, और वो आएँ। वेल, थैंक यू सर। जैसा कि इसरार भाई ने आप लोगों को बताया कि आज हम यूनिवर्सिटी में आप लोगों को विज़िट करवाना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, किस तरह आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है, कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाएंगे, फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन से बच्चे यहाँ पर फ्री तालीम ले सकते हैं, इनका जितना भी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने भी, तालबात ने भी यहाँ पर विज़िट किया है, उनके साथ से भी आपकी बात करवाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने इस स्कूल को, इस यूनिवर्सिटी को विज़िट किया है तो उन्होंने क्या तासरात हैं उनके, वो भी आपको सुनाएंगे।
ये हमारे क्लासरूम्स हैं जो कि बच्चे जैसे ही बैचेस आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि 35 बच्चे जो हैं उनके लिए एक क्लासरूम जो है वो उसको यूज़ किया जाए, और फिर जैसे जैसे बने तो एक नया सेक्शन जो है वो बना लिया जाए। और ये फुली एयर कंडीशनड रूम्स हैं और इसके अंदर सारी बाकी फैसिलिटीज़ भी जो है, मल्टीमीडिया भी अवेलेबल है, साउंड की सिस्टम की चूँकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे साउंड सिस्टम्स की ज़रूरत है जो बड़े हाल्स हैं हमारे, तो उनमें हमने वो प्रोविज़न भी जो है वो दी हुई है। जैसा कि ये रूम आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो गर्ल्स हॉस्टल की है। अभी इसका जो बेड्स वगैरह हैं और अलमारियाँ और बाकी जो है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका आर्डर हमें दिया हुआ है और वेरी सून हमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का सेटअप है। तो आपने देखा कि जैसे नीचे हमारे लेक्चर हॉल्स हैं तो लेक्चर हॉल से बच्चियाँ जो निकलेंगी वो यहाँ से सीधी अपने जो हॉस्टल के अंदर आ जाएंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है उसकी लाइब्रेरी होती है, और आजकल चूँकि डिजिटल जो है टाइम है वो उस डिजिटल पीरियड के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी हमारी यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा हमने जो कन्वेंशनल लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक्स अवेलेबल हैं, तो असेंशियल जो बुक्स चाहिए बच्चों को, इसके अलावा जैसे जैसे उनके कोर्सेज जाते जाएंगे तो डिफरेंट ट्यूटर्स जो भी उनको रिकमेंड करेंगे, उनके जो टीचर्स होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह बुक्स लाइब्रेरी के अंदर साथ साथ अवेलेबल कर देंगे। जहाँ बच्चे अपने क्लासरूम्स के अंदर लेक्चर लेके आते हैं और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आके आपस में ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, डिस्कशन के लिए होती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये हाल जो है वो बनाया गया है और यहाँ पे बच्चे आपस में बैठ के डिस्कशन ताकि कर सकें। कैफेटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये कैफ़े हमने इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए इस्टेब्लिश किया है और हमारी बाकी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, उसके अंदर हमारा मेन कैफेटेरिया होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस कैफ़े को हमने इस्टेब्लिश किया और इसके अंदर अभी सीट्स या नंबर ऑफ सीट्स को हम बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर फुल फ्लैज किचन है जहाँ से सर्विंग होगी और यहाँ पर स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो सेम कैफेटेरिया जो है उसको यूज़ करेंगे। दिस आर कंप्यूटर लैब विच इज़ स्टेट ऑफ आर्ट, और इसके अंदर लेटेस्ट पीसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं और फ्लेक्सिबल चेयर्स हैं, और यहाँ पे बच्चे जो है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के अपने जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं, वो यहाँ पे बैठ के कर सकेंगे। तो हमारे पास दो कंप्यूटर लैब्स हैं जिसके अंदर 50-50 कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर अमजद रहमान, डायरेक्टर ऑपरेशंस अल कादर यूनिवर्सिटी। ऑन बिहाफ ऑफ अल कादर यूनिवर्सिटी आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। दिस इज़ आवर ओपन हाउस, फर्स्ट ओपन हाउस। इसका पर्पस जो था वो ये था कि हम आप लोगों को बुला के यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कैंपेन है उसके हवाले से आपको ब्रीफ करें, और अलॉन्ग विद डैट हम आपको अपने कैंपस का भी विज़िट करवाएं ताकि आप खुद से अपनी आंखों से इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको देख सकें। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप लोग आए। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी को का पर्पज़ है इसकी एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि एजुकेशन हर यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन हम तरबिया का जो एलिमेंट है उसको डोमिनेट कर सकें, हम अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत जो है वो कर सकें, और ताकि कल वो एक अच्छे इंसान ही नहीं एक अच्छे लीडर्स बन सकें। तो हमारे जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जितने भी बड़े पुराने स्कॉलर्स थे, वो एक तरफ बहुत अच्छे स्कॉलर होते, साइंटिस्ट होते, और दूसरी तरफ से बहुत अच्छे मुसलमान होते। तो हमारा पर्पज़ ये है, और इस पर्पज़ के लिए हमने ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। और दूसरा पर्पज़ यहाँ पे इस 80 किलोमीटर तक के रेडियस में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि अल कादर यूनिवर्सिटी को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाए और ये आप सब के लिए एक इल्म की जो है दरसगाह यहाँ पर हो जो कि जदीद किस्म की हो। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका जो विज़न है वो ये है कि ये खाली नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट जो है उसको हमने यहाँ पे कायम करना है, और उसके अंदर आप लोगों को तालीम देनी है। तो तालीमी इदारे के अंदर
जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो तालीमी इदारे के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो होता है कि उसकी फैकल्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड फैकल्टी। लम्स के प्रोफेसर्स हैं, दे हैव जॉइंड, उसमें डॉक्टर ज़ीशान हैं, डॉक्टर आरिफ राना हैं, डॉक्टर आरिफ जमान हैं, इसके अलावा डॉक्टर जमशेद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और ये सारे प्रोफेसर्स हैं जो 30 इयर्स तक लम्स के अंदर एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ पे जो एग्जेक्टिव्स थे उनको ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो दे आर हेयर इन द पार्ट ऑफ फैकल्टी। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो दे विल बी योर टीचर्स। लम्स के अंदर वो लोग अपने आप को लकी समझते हैं जो कि इन लोगों के साथ पढ़ते हैं। तो हमने मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर लम्स का एक बहुत बड़ा नाम है जो कि पायनियर है, तो वहाँ की जो फैकल्टी है उसको हमने यहाँ पर इंगेज किया कि वो आके आप लोगों को पढ़ाएँ। तरबिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये सारे वो लोग हैं जो कि एक तरफ से तो मॉडर्न डिग्रीज़ हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की इनके पास, जैसे डॉक्टर ज़ीशान हैं, ही इज़ PhD फ्राम मिसिसिपी यूनिवर्सिटी इन फाइनेंस, एंड देन उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी किया हुआ है, और इसके अलावा वो आलम दीन भी हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के स्टूडेंट हैं। तो वो दीन के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ताकि वो आपको उस रिलेशन की वजह से आपके अंदर आपकी तरबिया का जो एलिमेंट है उस पर काम कर सकें। यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, दैट इज़ BSc ऑनर्स इन मैनेजमेंट, और इस प्रोग्राम के तहत हम GCU जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वी आर एफिलेटेड विद दैट, और इंशाल्लाह वेरी सून वी विल गेट द डिग्री अवार्डिंग स्टेटस और देन यूनिवर्सिटी चार्टर्ड स्टेटस। तो अभी यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम्स हैं, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा पसमानदा इलाका है और स्टूडेंट्स की भी कुछ डिमांड्स हैं वो फ़ी के हवाले से, तो हम मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम 40% जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं स्कॉलरशिप, प्लस 60% जो है वो हम फ़ी जो है वो स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं। बट अगर हमें कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो कि टैलेंटेड है, वी हैव 50 सीट्स, तो हम 100% लोगों को भी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे पास स्कॉलरशिप की 3-4 प्रोविजंस हैं, उसके अंदर जो सबसे पहली है दैट इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आप कम्पीट करते हैं, मेरिट पर आते हैं, तो यू विल बी अवार्डेड विद मेरिट स्कॉलरशिप। और अगर आप नीडी हैं, आपको जो है फिनंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो देन वी शैल कंसिडर यू ऑन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। और अदर देन दैट हमारे पास जो है वो कर्ज़ हसना की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हैं, जो एडमिशन कैंपेन चल रही है, ये इंशाल्लाह 1 अक्टूबर तक होगी, और इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आ जाएंगी उसका फिर एक हम ये करेंगे कि उसकी जो पास परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की, जो एग्रीगेट मेरिट बनेगा, पास परफॉर्मेंस 30%, आपका जो टेस्ट है NTS का दैट इज़ 30%, और 40% आपका इंटरव्यू होगा। तो उसके अंदर जो बच्चे मेरिट पर आएंगे तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो बाकी होंगे उनको फ़ी की प्रोविजन होगी। और उसके अंदर भी अगर नीट बेस पे को अप्लाई करता है या कोई उसके अलावा कर्ज हसना के लिए अप्लाई करता है, तो वी शैल कंसीडर देम, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। यूनिवर्सिटी की क्लासेस इंशाल्लाह बाय द मिड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, तो वी हैव वेरी ह्यूज कैंपस, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हमारी दो हैं, या आपने सूफी ब्लॉक देखा, ये हमारा रिसर्च ब्लॉक है, इसके साथ साइंस ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, ऑडिटोरियम हमारा बन रहा है, और उसके पार हमारे हॉस्टल्स बनेंगे। फॉर द टाइम बींग वी हैव अरेंज हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स ओवर हेयर इन दिस बिल्डिंग, और इसी तरह बॉयज़ के लिए भी हमने यहाँ पर अरेंज की है, दैट वुड बी टेम्परेरी, और उसको फिर हम जो जब हमारे एक्चुअल हॉस्टल्स बनेंगे तो वहाँ पर हम उनको शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये मीडिया ग्रुप भी आया हुआ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आप आए, कल भी कुछ लोग हमारे पास आए थे और आज फिर हमने उनको दोबारा बुलाया, थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे मीडिया ग्रुप का जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस इवेंट की कवरेज कर रहे हैं, और इन्होंने खुद, चूँकि ये लोकल लोग भी इसमें शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी इज़ अ गिफ्ट फॉर दिस रीजन, इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो नाउ इट्स all from my side, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आई एम हेयर टू आंसर यू विद इन 1.5 और विद इन 2 years इंशाल्लाह। ओके, करंटली NTS इज टेकिंग द एंट्री टेस्ट एंड स्टूडेंट कैन अपीयर इन NTS टेस्ट फॉर द टेस्ट, एंड इफ दे हैव फेल्ड एंड दे हैवंट रजिस्टर्ड इन दैट टेस्ट, देन द यूनिवर्सिटी विल टेक देयर ओन टेस्ट एंड दैट विल बी लाइक NTS। सो कंसल्ट द नेट टेस्ट एज सर हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, प्रिपेयर द नेट फॉर एंट्री टेस्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज कंडक्टेड बाय द NTS। Yeah, there will be an interview, and in interview we will definitely consider the personality dimensions and all that about the background and all that of the student. Thank you, sir. Ji, any other question? जो admission आज आपका session हुआ है उसमें जो लोग registration कराएंगे
बुक कब तक आपके पास एडमिशन के लिए आए, उसका थोड़ा सा जी ठीक है। मैं थोड़ा सा एडमिशन का स्केड्यूल को डिस्क्राइब बयान कर देता हूँ। एडमिशन का जो स्केड्यूल है वो ये है कि 1 अक्टूबर तक हमारी लास्ट डेट है, 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन। उसके लिए सिंपली आप www.alqadir.edu.pk पे चले जाएं और वहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये आप ऑन कैंपस आ सकते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री हो रही है, और अभी तक हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी फ्री है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं बाय 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर के बाद फिर आपको शार्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका मेरिट बनेगा। तो 60% रिक्वायर्ड हैं आपकी जो FSC है उसके अंदर मार्क्स, और इसी तरह ओ लेवल और ए लेवल का भी डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। क्योंकि सर वेबसाइट अब जो लोकल देहात के लोग हैं जो ठीक जी बिल्कुल अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। जो लोग वेबसाइट को यूज़ नहीं करते मैं उनको यहाँ पे इस मीडिया पे मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा एक नंबर जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल है। इस पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड करेगा और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है वो फाइल करने की फैसिलिटी भी। जी बिल्कुल, जैसी हमारी यूनिवर्सिटी बनती है और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को, कोशिश तो हम करेंगे कि स्टूडेंट हमारे हॉस्टल्स में लें ताकि हमें काफ़ी टाइम मिले उनके साथ इंटरेक्ट करने का, लेकिन उस वक्त देखा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो डे स्कॉलर्स हैं, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। जो हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट होंगे उनको डेफिनेटली डेली बेसिस पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट हमारी जाएगी और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी सिटी से लाने के लिए सोहावा से या झेलम से वो लेके आएंगे। और अगर कोई ऐसा वीक के अंदर स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्होंने एक डे ट्रिप करना होता है तो वो हम उनको डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जेलम के अंदर या सोहावा के अंदर या गुजर खान के अंदर भेजेंगे और वो वहाँ से अपनी जो भी शॉपिंग वगैरह होगी 1-2 घंटे का ट्रिप होगा और वो करके फिर वापस आ जाएंगे। यूजुअली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका सेमेस्टर वाइज चार्जेस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जब एक ट्रांसपोर्टेशन सामने आएगी तो उस वक्त होगा। जब स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं और सेमेस्टर की फ़ी जमा कराते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कुछ चार्जेस ले लिए जाते हैं। इसके अलावा जो अदर देन एमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो तो एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स के लिए फ्री होती है। जी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वी हैव 460 कैनाल एरिया, जहाँ पे 460 कैनाल की जगह है और उसके अंदर अभी हम डेवलपमेंट फेज़ में हैं, तो हम सबसे पहले 2 ग्राउंड्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट डेवलप करवा रहे हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मल्टीपल गेम्स जो होंगी वो होंगी और ग्रूमिंग के सेशंस हो जाएंगे, और इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म की 11 सोसाइटीज़ वो भी अभी उस पर भी काम कर रहे हैं कि तकरीबन 11 सोसाइटीज़ हों जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ होंगी जो कि सोसाइटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, जैसे ब्लड डोनेशन सोसाइटी होगी, इसके अलावा जो होगी हाइकिंग सोसाइटी होगी, इसके अलावा जो है वो बच्चों को कुछ सिखाने की सोसाइटी होगी, कुछ उनको लाइक टीचिंग की सोसाइटी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो फुली इंगेज रहेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो बच्चा आपका ग्रूम कर रहा होता है और सेकेंडली ये है कि उसको चूँकि एक्टिविटीज़ करने से उसका माइंड ओपन हो रहा होता है तो वो फिर अपनी स्टडीज़ के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा, एडमिशन के अंदर फ़िलहाल तो स्पोर्ट कोटा नहीं है, लेकिन हम एवेंचुअली देखेंगे कि अगर ऐसे कुछ आ जाते हैं जो कि स्पोर्टमैन हैं तो वो हम ऑन स्पॉट भी डिसीजन उसका कर सकते हैं। जी जी मज़ीद कोर्सेज़ का ये है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि वी आर अलकादर कॉलेज, और फिर हम अलकादर कॉलेज से अलकादर डिग्री अवार्डिंग पे जाएंगे और डिग्री अवार्डिंग के बाद फिर हम जाएंगे यूनिवर्सिटी स्टेटस पे। तो जैसे ही हम अलकादर डिग्री अवार्डिंग DAI स्टेटस पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वी विल ऑफर सम अदर प्रोग्राम्स, और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स मैनेजमेंट हमारी डिसाइड करती है इंशाल्लाह वो हम ऑफर करेंगे। एंड विद इन ईयर, जिस तरह मैम का भी क्वेश्चन था कि विद इन 1.5 ईयर फिर हम जो बड़े प्रोग्राम्स हैं MPhil है, PhDs है, उनकी तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली अपना नाम बताइएगा, अपनी डेजिग्नेशन एंड एडमिशंस के बारे में काइंडली हमें कंफर्म कर दें। जी मेरा नाम शाना एडम है जी, और मैं अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के साथ अलकादर कॉलेज के एडमिशंस जो इस वक्त हो रहे हैं BSc ऑनर्स मैनेजमेंट साइंस इन एफिलिएशन विद GCU लाहौर, उसके एडमिशंस एंड हमारी जो आउटरीच मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द टीम, हमारी टीम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो है वो कंट्री वाइड इस कैंपेन को लेके चल रही है, और उसमें कोशिश हमारी ये है कि पूरे मुल्क से हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आएँ इस कैंपस पे,
और वो यहाँ की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पढ़ाने का तरीका कार है, फैसिलिटीज़ हैं, उससे फैज़िया वो इसके साथ साथ जो है जो स्पेसिफिकली सुहावा और सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम किया गया है और यू नो वो उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वो दूर जाने के बजाय यहाँ अपने प्रोग्राम्स अंडर ग्रेड और इंशाल्लाह मास्टर्स और उससे आगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी कर सकेंगे। इस वक्त जो हमारे एडमिशन्स ओपन हैं वो बीएससी ऑनर्स मैनेजमेंट के हैं, जिसमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ए लेवल्स इंटरमीडिएट अगर कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है, आईबी है, कुछ और ने किया हुआ है तो वो हायर अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा है, इस तरह के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग डाउन टू इंटरमीडिएट के जो हैं, चाहे उन्होंने आईकॉम किया हो, आईसीएस किया हो, सिंपल आर्ट्स किया हो, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो स्टूडेंट्स भी जिनके रिजल्ट अवेटेड हैं, अभी उनके रिजल्ट नहीं आए, एग्जाम्स दिए हुए हैं, और बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, इनका भी यही स्टेटस है, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और डेडलाइन हमारी जो है अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 1 अक्टूबर है। ठीक है, इस वक्त एडमिशन्स जारी हैं, ऑनलाइन इसका फॉर्म है जो वो वेबसाइट से जाके फिल कर सकते हैं, www.alqadr.edu.bk हमारी वेबसाइट एड्रेस है जिसके ऊपर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, और अप्लाई करने के तमाम तरीका कार जो है वो पूरा वेबसाइट पर हमने बताया हुआ है। इसके अलावा हमारे फ्लायर्स जो अवेलेबल हैं हार्ड कॉपी में, ये भी इस पर भी डिटेल्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का तरीका, फीस, ये सारे मामला तो उस पर मेंशन हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी एजुकेशन के हिसाब से तो मैंने बता दी, एक रिक्वायरमेंट टेस्ट की है जिसमें हम सैट हो गया आपका NTS का नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम अपने टेस्ट के लिए भी हम कोशिश है कि हम अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है तो बच्चे वो भी दे सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद का तरीका कार इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद ऑब्वियसली बच्चों को एडमिशन्स प्रोविजनल या कन्फर्म एडमिशन्स ऑफर जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा 15 अक्टूबर को इरादा है ओरिएंटेशन का, और उसके बाद 18 तारीख से क्लासेस जो है हमारी शुरू हो रही होंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम, अगर कोई स्टूडेंट नेट या जैसे आप बता रहे हैं सैट का टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता, तो इट्स मीन को वो आपकी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देगा, अगर वो क्वालिफाई कर जाता है देन उसको एडमिशन कन्फर्म। जी बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकता है और उस पर वो क्वालिफाई कर सकता है, एंड देन उसके बाद आप उसका इंटरव्यू लेंगे एंड देन एवोल्यूशन होगी। जी बिल्कुल, इंटरव्यू होगा उनका और उसके बाद फिर उनको ऑफर्स भेजे जाएंगे। अच्छा, इसमें यह है कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह तो हमने बहुत एक समझ लें कि एरिया अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, और ये नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी, नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी का मकसद ये है या उसका मीनिंग ये है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि आपके पास इतना मतलब बैकग्राउंड हम चेक नहीं कर रहे फाइनेंशियल आपके, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है या नहीं उसको कतई नज़र रखते हुए आप अप्लाई करें। आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस जनरस अवेलेबल है, नीड बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कर्जे हंसना, ये सारी तमाम चीज़ें हमने बच्चों के लिए रखी हुई है ताकि इस वजह से सिर्फ फाइनेंसेस या ना अफोर्ड करने की वजह से वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से महरूम ना रहे। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि जब आपको एडमिशन की ऑफर आ जाएगी उसके बाद आपको जब एक वाउचर इशू होता है वहाँ आप महसूस करते हैं कि आप नहीं कर सकते अफोर्ड, तो फिर आप हमारा फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस पर आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है। मैरिट स्कॉलरशिप पे ये है कि जो top 3 रेंज में बच्चे आएंगे हमारे पास जो अप्लाई करते हैं उनको डेफिनेटली मैरिट स्कॉलरशिप ऑफर हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूइंग मैरिट स्कॉलरशिप होती है जिसमें आप एवरी जब आपका दाखिला हो जाता है आप पढ़ते हैं, आप परफॉर्मेंस आपकी एवरी सेमेस्टर इवैल्यूएट होती है, तो वो कंटिन्यूइंग प्रोग्राम में ही मैरिट स्कॉलरशिप्स उनको इनके भी इंशाल्लाह हमारे पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस होगी और वो दी जाएंगी। मैम, आपने जैसे बात की top 3 स्टूडेंट्स को मैरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए कोई स्पेसिफिक परसेंटेज या GPA आपने रखा है या top 3 को देंगे? वो पूल साइज के ऊपर होता है बेसिकली। ठीक है, क्या परसेंटेज सिस्टम? टॉप परसेंटेज उस पे आ रहा होगा कि आप एक फिक्स कर देंगे परसेंटेज की, जैसे 80% अगर कोई लेता है तो इट डिपेंड्स, जो ऑब्वियसली इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी है, लेकिन चूंकि मेरिट की बात है तो ऑब्वियसली मेरिट को ही मद्देनजर रखते हुए और कंटिन्यू करते हुए, बिकॉज ये 4 साल का प्रोग्राम है तो हम ये नहीं चाहते कि एक बच्चे ने ठीक है उसने जो अचीव कर लिया वो बहुत अच्छी बात है उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने इस लेवल को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े
और उससे ये होता है कि अगर एक बच्चा अच्छी मेहनत कर रहा होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी इंकरेजमेंट होती है, और इसी इंकरेजमेंट को रखते हुए कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हमने साथ साथ रखे। इसके लिए मैम जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट 80% मार्क्स लेके आता है और आपके एग्रीगेट में वो मेरिट स्कॉलरशिप में आ जाता है जी, देन उसके बाद अगर वो 3.4 या 3.5 CGPA जो भी आपने मेंटेन किया होगा, अगर वो कंसिस्टेंटली नहीं ले रहा तो वो उस मेरिट स्कॉलरशिप से रद्द कर दिया जाएगा जी। ऐसा ही होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली उसको नहीं रख पा रहे तो ऑब्वियसली वो प्रोबेशन पे चला जाता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, और वो फिर रीइंस्टेट होती है नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, इस तरह का सिलसिला होगा। ओके मैम, इज देयर एनी कोटा सिस्टम फॉर एडमिशन? कोटा सिस्टम नहीं है जी, बिल्कुल ओपन मेरिट, ओपन मेरिट है, आप कहीं से भी किसी भी सूबे से किसी भी जगह से किसी भी बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज समीत अरफा एंड आई एम करंटली द डीडीओ प्रिंसिपल ऑफ सिविल लाइंस कॉलेज जेहलम, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फ्रॉम सिविल लाइंस। मैम, यू विजिट द यूनिवर्सिटी, व्हाट यू थिंक अबाउट द लोकेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी? वेल, आई गेस द लोकेशन इज क्वाइट आइडियल बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑफ जेहलम एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड द मिड डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो, दे कैन गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट्स बेटरमेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। Ma'am, this university is located inside the valley of the beautiful mountains. What do you think about the students' thinking in this environment? Critical thinking, researching thinking, what do you think about that? Definitely, location and environment do have quite a great impact over the research and as well as the student capabilities. And as far as the area is concerned, all the mountains and the location and where this institution is located is quite well. And thus, we are looking forward for better prospects. Ma'am, what do you think about the VN of Imran Khan about the Sufism and technology? Show some light. Well, I really like this vision because in this era we need such sort of combination and amalgamation of different science subjects as well as with Sufism and mysticism, and especially modern sciences and mysticism should be consulted in higher level also, like in PhDs and MPhil level, and students should get the opportunity because BS is a good sort of degree, but as we know that now BS is quite common in the Jhelum city as well and in Islamabad and all other sectors, but when it comes about MPhil and PhD, then we do have very limited scope, and thus we need such institutions to brought up their own degrees in different sort of subjects where we can offer a relationship between literature and mysticism, literature and religion, modern sciences and religion, technology and religion, and this is quite appreciable. Ma'am, what is your message for the students, and how much you recommend this university to the students? Well, as far as I know till now, after this first visit, I can recommend this university. Though the environment is quite fine, but as far as the whole area is concerned and the location is concerned, I can recommend this. But when it comes to the scholarships, then we should engage more students for need-based scholarship and merit-based scholarship, because that will be quite fine for the students. Thank you very much. आपने visit किया है university को, और आपको क्या फीडबैक देते हैं कि इनके क्लासरूम्स, इनकी लैबोरेटरीज और किस तरह के सिस्टम है इनका? इनका सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी में जो चीज़ ज़्यादा फोकस किया है वो नीट, क्लीन और ग्रीन पे किया है इन्हें, और इनकी जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हम लोग को जैसे नज़र आ रही है। इस यूनिवर्सिटी का हॉल जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी बहुत अच्छी है, और सबसे ज़्यादा अच्छा इन्होंने इस्लाम को जो साथ रिलेट कर दिया है, इस चीज़ का हम लोग की जो न्यू जनरेशन से ज़्यादा इस्लाम का पता नहीं था, और अब इस्लाम को भी जो है वो हम साथ लेके ये लोग चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनकी सोच थी कि इन्होंने इस्लाम को साथ लिया है। और यहाँ की लाइब्रेरी वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, क्लासरूम्स, चेयर्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है, और बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और जो साथ इधर का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। आप कौन से कॉलेज से हैं या स्कूल से हैं? हम डिग्री कॉलेज सुहावा से आए हैं, और यहाँ अलकादर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर आए विज़िट करवाने के लिए, और हमने ये यूनिवर्सिटी देखी है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और हम बहुत होपफुल हैं इस एरिया में कि इतनी ज़बरदस्त शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, और सबसे जो इनका बेसिक एम है वो ये है ट्रेडिशंस को और मॉडर्निटी को साथ लेकर चलना। जी वेल, आपने विजिट की यूनिवर्सिटी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी हाउ नाउ है बिकॉज आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इनका भी बड़ा शानदार है, मतलब कि हॉस्टल्स बनाना और साथ में लाइब्रेरी शानदार इन्होंने बनाई हुई है, और बीएस मैनेजमेंट की अलहदा से एक बिल्डिंग बनाई हुई है, तो ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट। कैंडी सर, पहले आप बताएं कि किस कॉलेज से हैं? वालेकुम सलाम, मोल हाल साइंस कॉलेज हवा कैंपस से हम लोग।
जी आप वेल अपना नाम बता दें। मेरा नाम मेहर मोहम्मद मुरसलीन है और MSc मैथमेटिक्स यहाँ पे एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए मैं कंटिन्यू शामिल। सर मुरसलीन काइंडली थोड़ा सा आपने अलकादर यूनिवर्सिटी को विज़िट किया है जी, तो काइंडली इनके सिस्टम के बारे में, इनके रूम्स, इनकी लैब्स और इनके मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गाइड कर दें। देखिए सुहावा की आवाम के लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके लिए कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। और जैसा हम लोग यहाँ पे आपकी फैकल्टी के साथ विज़िट किया हमने, तो हर चीज़ परफेक्ट है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो मॉडर्न दौर है उसको मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ परफेक्ट है, बेहतरीन है। आपने यूनिवर्सिटी को विज़िट किया है तो आप काइंडली इसकी एक फ़ीचर को हाईलाइट कर दें कि ये बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कैसे है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हमने यहाँ विज़िट किया, यहाँ का स्ट्रक्चर देखा और बिलखसूस इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, जब हमने उनको देखा तो हैरत हुई कि पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी ने माशरे में बढ़ती हुई एक शिदत पसंदी के ख़िलाफ़ एक बहस तैयार करने की कोशिश की है और कौम को, कौम के नौजवानों के अंदर वो जो हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे सूफिया कराम की एक तालीम थी कि बाहमी किस तरह माशरे के अंदर एक उनस हो, एक मोहब्बत हो और अखुवत हो, वो मज़ामीन यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। और माशरे के अंदर एक जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे शिदत पसंदी और अदम बर्दाश्त का एक अंसर था, इस यूनिवर्सिटी के अंदर और इस रीजन के अंदर पहली दफ़ा एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से माशरे के अंदर ये चीज़ अब इस चीज़ को पढ़ाने और समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम देखें तो ये इलाका ऐसा इलाका है जिसमें सूफिया कराम का एक अहम रोल रहा है, तो सूफिया कराम के किरदार को पढ़ने समझने के लिए मेरे ख्याल में ये जगह एक बेहतरीन जगह थी। एक तो इस इलाके में किसी किस्म की कोई पॉल्यूशन नहीं है और सूफिया कराम का भी मरकज़ ऐसी ही जगहें होती थी जो हर तरह की पॉल्यूशन से एक तरह से आज़ाद हों, तो यहाँ रिसर्च करने वाले तालिब इल्मों के लिए मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने मज़हब को स्टडी करें, अपने इस्लाम को स्टडी करें। और मैं वक्त के हुक्मरानों को भी इस हवाले से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे दौर में जब मुल्क एक माशी अदम इस्तकाम का शिकार है और एक तरह से माशी बहरान चल रहा है, फिर भी बड़े पैमाने पर मुल्क के अंदर और बिलखसूस सुहावा के अंदर जो काफ़ी अरसा से एक नज़रअंदाज किया जाने वाला इलाका था, वहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू किया और यहाँ के लोगों को इस हवाले से तालीमात और इल्म उन्हें फराहम करने की कोशिश की है। सर वेल यहाँ पे 1 आवर के रेडियस में कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो काइंडली यहाँ की स्कॉलरशिप्स आपने विज़िट किया है तो किस किस्म की स्कॉलरशिप्स ये दे रहे हैं? देखिए यहाँ स्पोर्ट्स की बेस पर भी स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, इसके अलावा अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन माली मुश्किलात का शिकार है तो ना सिर्फ उसे स्कॉलरशिप दी जा रही है बल्कि कर्ज़ हसना भी दिया जा रहा है कि अगर वो अपने घरेलू मामला सुधारना चाहता है या उस हवाले से घर को सपोर्ट कर रहा है एक बच्चा, तो उसको इस तरह भी उसको साथ लेके इदारा ये साथ चलने की। सर थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलकादर यूनिवर्सिटी। एडमिशन्स आर ओपन इन द BSc ऑनर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज विद एफिलिएशन फ्रॉम GCU। तो इसके एडमिशन्स की जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2021 है और 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.alkader.edu.pk। इसके अलावा आप कैंपस भी विज़िट कर सकते हैं और हमारा जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन एलिजिबिलिटी का भी बता दें साथ जी। एडमिशन एलिजिबिलिटी मेरिट जो है ना, ये कोटा सिस्टम है या ओपन मेरिट? जी इट्स ओपन मेरिट। जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरिट के लिए वो है 60% मार्क्स इन FSC बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिर हम उसकी पास परफॉर्मेंस को 30% कंसिडर करेंगे प्लस 30% हम कंसिडर करेंगे उसकी जो है NTS का टेस्ट, और 40% जो होगा उसका वो हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, 40% मार्क्स उसके होंगे। और इट्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी बच्चा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इट्स एन ओपन मेरिट। फीसिस का स्केड्यूल जी, फीसिस जो है वो है 92,000 पर सेमेस्टर है, लेकिन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ जो है वो अवेलेबल हैं हमारे पास, जो है फिनंशियल एड्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम कर्ज़ हसना की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और बच्चा जो भी अप्लाई करेगा उसको नीड बेस की स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। सर ये जो इमरान खान का VN था ये वेरी बिग VN है, और काइंडली सर इस पर कुछ लाइट जो है वो थ्रो करें ताकि सबको पता चले कि इमरान खान साहब ने ये यूनिवर्सिटी किस मकसद के लिए बनाई और ये कितना बड़ा स्टेप है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सुहावा के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच, वेरी वैलिड क्वेश्चन। इमरान खान साहब का जो विजन है एजुकेशन के अंदर रिगार्डिंग अलकादर यूनिवर्सिटी, तो एक ऐसी दसगाह कैम की जाए जैसे जामे अज़हर थी कि जहाँ पे साइंटिस्ट भी प्रोड्यूस होते थे, लेकिन उनका एक कनेक्शन, स्ट्रांग कनेक्शन जो था दैट वाज लिंक्ड विद
دا اسلام اور دین کو وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہم یونیورسٹی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی ایک یونیورسٹی بنے کہ جو ہمارا بچہ ہو وہ ایک کریکٹر بلڈنگ بھی اس کی ہو سکے اور وہ ایک ہم لیڈر جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں. سر کائنڈلی کافی لوگوں نے کوشچنس بھیجے ہیں یہ کہ جابس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, کیونکہ ہمارے علیان سواوا میں بہت سے ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سے ایسے پرسنس ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ایکسپیرینسڈ بھی ہیں. جی اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوور اسٹاف ہے یہاں پہ ہماری تین کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ سیکورٹی پروویژن کمپنی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کلیننگ جو جینیٹوریل اسٹاف ہے اس کی ایک کمپنی ہے, اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ گارڈننگ کی سوسائٹی. تو ہم نے اسے یہ کہا کہ اس کو 80% جو اسٹاف ہے وہ یہاں پہ لوکل کمیونٹی سے لے, اور ان کو بھی ڈیفینیٹلی فائدہ تب ہوتا ہے کہ وہ لوکل کمیونٹی اسٹاف لیں. اس کے علاوہ جو ہم میں شکریہ ادا کروں گا ڈفرینٹ میڈیا گروپس کا, پارٹیکولرلی لوکل میڈیا گروپس جو ہیں, سہاوا میڈیا گروپ ہے, اس کے علاوہ جو سہاوا ایچ ٹی گروپ ہیں, یہ سارے جتنے بھی گروپس ہیں ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. جب بھی ہماری کوئی پوسٹ آتی ہے تو اس کو سہاوا کے اندر جہلم کے ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ سپریڈ کر دیتے ہیں, جس سے ہمیں بہت ساری اپلیکیشن ملتی ہیں اور وہاں سے ٹیلنٹ آ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس میں میرٹ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہماری کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا لوکل ریسورس ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. کائنڈلی کچھ مینجمنٹ کے اگر کوئی جابس ہیں, کوئی ایسی جابس ہیں اسپیسیفکلی جو سہاوا کے بندوں کے لیے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لوور جو اسٹاف ہے وہ ہم سہاوا سے لے رہے ہیں 80%, تو اس طرح کوئی فوکل پرسنس یا ریسورس پرسن بھی لے رہے ہیں؟ فوکل پرسن ہمارے مظہر ہیں جو کہ ایچ آر کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو عثمان صاحب ہیں, اور جہاں بھی کوئی وزٹ کرنا چاہے تو یہاں پہ جو ہمارا سیکورٹی ریسیپشن اسٹاف ہے وہاں پہ اپنی سی وی ڈراپ کر سکتا ہے, پھر ہم اکارڈنگ ٹو آور نیڈ ہم اس کو کال کر کے اس کو بلا لیتے ہیں, اس کا انٹرویو کنڈکٹ کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ویوز, جیسا کہ ہم نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ وزٹ کریں گے یونیورسٹی کو اور پھر ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے کہ یہ یونیورسٹی آپ کو کیا پرووائڈ کر رہی ہے. جیسے کہ ہم یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو یونیورسٹیز میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, اس میں جو مین چیز ہوتی ہے یونیورسٹی کی وہ ہوتی ہے اس کا انفراسٹرکچر. تو جیسے کہ میں نے وزٹ کیا انفراسٹرکچر ان کا, تو ان کی رومز جو ہیں وہ ویل اکوپڈ رومز ہیں, ویل جو ہیں وہ فرنش رومز ہیں, ویل وینٹیلیٹڈ رومز ہیں, ان کے پاس لائبریریز ہیں, ان کے پاس کمپیوٹر لیبس ہیں, اور ایک نہیں دو کمپیوٹر لیبس ہیں, اور ان کے کمپیوٹر لیبس میں 50 ایک لیب میں جو ہے وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں انہوں نے کمپیوٹرز, اور 50 دوسری لیبس میں انسٹال کیے ہوئے ہیں. بسائڈ دس ان کے پاس جو ہے وہ ہاسٹلس بھی ہیں فار فیمیلز اینڈ فار میلز. اس کے علاوہ انہوں نے بہت اچھا جو ایک اس میں ایڈنگ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی لوکل ٹرانسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی دیں گے آپ کو. اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ صوفیزم پہ جیسے کہ پڑھا رہے ہیں, تو یہ صوفیہ کی ایک جو ہے وہ درسگاہ تھی ہمارا یہ سہاوا, تو اس طرح یہ عمران خان کے وی این کے مطابق کہ یہ ہم یہاں پہ ایک صوفیزم بھی پڑھایا جائے گا, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے, اور ڈائریکٹر صاحب نے بھی جو اس میں اوپن ہاؤس یہاں پہ رکھا گیا سیشن, اوپن ہاؤس سیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کے دن ایڈمیشن کروائے گا اس کی ایڈمیشن فی نہیں دی جائے گی, باقی اسکالرشپس وغیرہ انہوں نے پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ میرٹ سے اسکالرشپ فارم ہے, اس کے بعد نیٹ بیس اسکالرشپ ہے, اس کے بعد یہ قرض حسنا اسکالرشپ بھی یہاں پہ موجود ہے. اس طرح یہ بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ان مائی اوپینین فیوچر میں یہ والی یونیورسٹی بہت آگے جائے گی, بیکاز کسی بھی یونیورسٹی میں اگر کوئی لوکل یونیورسٹی ہوتی ہے جیسے کہ ہم یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں, تو وہاں پہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی گھر سے بہت دور ہوتی ہے. یہ یونیورسٹیز علیان سہاوا کے لیے ایک اس طرح نعمت ہے یا گرد و نواح کے لیے ایک ایسے نعمت کے طور پہ مانی جاتی ہے کہ ان کو یہ ڈپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہم ٹریولنگ کے دوران کرتے رہے ہیں. جو ہم پیپرز دینے جاتے تھے تو ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم 6 گھنٹے سفر کریں گے, جبکہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ان کو فیس نہیں کرنا پڑے گا, اور ان کو فائنینشیل لاس بھی جو کرائے کی شکل میں ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا. اور اگر اسٹوڈنٹ زیادہ پرفارم کرنے والے ہیں 80% ابو لینے والے ہیں وہ یہاں پہ فری پڑھیں گے, اور فیوچر میں جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں یہاں پہ باقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس بھی شروع ہوں گے, اور صوفیزم کے بارے میں پڑھایا جائے گا, اولیاء کرام کے بارے میں پڑھایا جائے گا, اور اس خوبصورت وادی کے اندر ایک ریسرچ اسٹارٹ ہوگی جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ مستفید ہے. ویل تھینک یو ویری مچ, اور ہم اسی طرح کے آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے. میں آپ کا ہوں میزبان محمد اسرار لکھنوی کی بھی گولڈ میڈلسٹ ان کیمسٹری. جزاک اللہ. جی سنگیو بیلیو, آج تساں وزٹ کیتا پھر اس خوبصورت یونیورسٹی نا, تساں کی پتہ چلیا کہ پٹھوار وچ کتنی سونی سونی جگہ ہیں, اور انہاں سونی جگہ وچ کتنی سونی چیزاں بننیاں پیاں, اور تساں تکو وزیر اعظم صاحب نا جڑا جگہ سلیکٹ کرنے نا طریقہ کار ہے, بھائی کتنا خوبصورت ساڑا علاقہ,
और पहाड़ों में अलग यूनिवर्सिटी लोगों सवाल किए यूनिवर्सिटी शहरों च होनी चाहिए शहरों ने अंदर होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जवाब दिता यूनिवर्सिटी एक नैचुरल जगह पर होनी चाहिए जिथे बिल्कुल एक माहौल हो खूबसूरत और तको यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल पहाड़ों में मौजूद है साइडा तो सब्जा ही सब्जा। और असा जिले डायरैक्टर साहब न गल की उन्हें बाया कि असा इतने 50,000 पौधे ला सा ठीक है और उन्हें आख्या कि असा 10,000 लाई चुके हैं जेडे अगले साल इंशाला इतने सब्जा ही सब्जा हो सी तो इंशाला असा 50,000 इतने पौधे ला सा और इतने 50,000 पौधे लगसन और यूनिवर्सिटी तुसा सोची ना सकने कितनी खूबसूरत हो जासी। और सब तो बड़ा जो फायदा इतने क्योंकि इतने एक रिसर्च लैबोरेटरी भी इन्हें बनानी है जिले रिसर्च लैबोरेटरी होवे तुसें गी पता बड़े खतरनाक ना कैमिकल होने जेडे उत्थे लैबोरेटरी इस्तेमाल करने फिर जिले शहर में यूनिवर्सिटी होवे यार ना तो वह कैमिकल ना शहर ने लोगों की बहुत नुकसान हो यार हूँ एक कैमिकल इतने बंद करी दे सन डंप करी दे सन इतने ये गल है संगीओ ते असानी अज मुख्तलिफ जबाना च वीडियो बनाने का मकसद ये सा कि तुसा की साड़ी गल समझ अच्छी सकै तुसा भी अपने बच्चे यूनिवर्सिटियां पढ़ाओ अपने दोस्त शेख अली रजा की इजाजत दियो इंशाल्लाह असा किसी नवे प्रोग्राम नाल फिर हाजिर हो सा। सलाम अलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारी ये पूरा प्रोग्राम जो है पूरी वीडियोज़ जो हैं वो उसको देखा होगा। आखिर में आपको बताता चलूँ जैसा कि आपने यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी का विज़िट किया तालबात के तासरात को सुना यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है उसके तासरात को सुना अपने तौर पर मैं जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है वो आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी इंतहाई ऐसा इकदाम है वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस यूनिवर्सिटी में वो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं जो आज से पहले शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए हों। ये यूनिवर्सिटी दुनियावी तालीम जदीद तालीम के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी देगी। सूफीज़म में आपको इस यूनिवर्सिटी में जो हमारे उलमा थे जो हमारे सूफी बुज़ुर्ग थे उनके बारे में भी बताया जाएगा कुरान और हदीस के मुतलक भी बताया जाएगा। आपको यहाँ पर साइंसी अलूम दुनियावी अलूम के महारत होने के साथ साथ आपको इस्लाम में जो इस्लामी हमारे शायर हैं उसके मतलब भी आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। आपने मुकम्मल तौर पर ये वीडियो देखी यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए ज़रूर सोचो विचार कर रहे होंगे। मैं आपको बताता चलूँ जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने भी बताया आपने पूरी इस वीडियो में भी देखा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो सहूलियात हैं वो भी दी जा रही हैं। यूनिवर्सिटी में रिहाइश का जो है वो बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ पर आप पूरे पाकिस्तान में से किसी जगह से भी आकर एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ज़िला झेलम पठवार या पंजाब के लिए नहीं है या इसमें पूरे पाकिस्तान से जो तालिबे इल्म हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्टिंग में इस यूनिवर्सिटी का जो पहला प्रोग्राम है वो इंटरमीडिएट के बाद जितने भी तालबात हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कम्प्लीट किया है वो इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। यकीनन दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी लाइक करना है ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमती वीडियो मिलती रहें। अपने मेज़बान एहसन वेद इसरार भाई और शेख अली रज़ा को इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।